बिहार की सभी 243 सीटों के लिए सबसे ताजा आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि एक नहीं पांच बड़े सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किसकी बनने जा रही सरकार, इस पर आपको सटीक यहां पर आंकड़े देने वाले हैं। एक एक सीट पर आपको ताजा आंकड़े, आखिर कौन बनेगा बिहार के लिए अगला मुख्यमंत्री, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन एक नहीं कई सर्वे यहां पर रिपोर्ट सामने आ चुकी, क्योंकि चुनावी बिगुल बजने के साथ ही कई बड़ी कंपनियों ने अपने ताजा सर्वे दिए हैं। और सर्वे के अनुसार क्या एनडीए की बरकरार रहेगी सरकार या फिर कांग्रेस आरजेडी की होने वाली है वापसी, क्योंकि सीट बंटवारा सब कुछ यहां पर फाइनल हो चुका है। तो इस बार गठबंधन और महागठबंधन में भी कई दल अलग हो चुके हैं। प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, इस पर भी आपको आंकड़े देने वाले हैं। चुनाव में वोट किस आधार पर होंगे, सबसे पहले बात करते हैं पढ़ा लिखा नेता चाहिए लोगों को, इस पर क्या है कहना। देखिए प्रत्याशी की दबंग छपी पर जो है लोगों का मानना है 2.3% केवल यहां पर जो है प्रत्याशी की दबंग छपी पर यहां पर लोगों का मानना रहा है। जाति के आधार पर 3.1%, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहां पर देखे तो प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जो लोगों की मांग है, इस प्रकार की बिहार का जो है यहां पर विकास होना चाहिए वो तब हो सकता है जो यहां पर कैंडिडेट है वो यहां पर शैक्षणिक योग्यता उसकी अच्छी होना चाहिए। 94% लोग इसके साथ हैं, ये बड़े सर्वे के आंकड़े हैं। इसके अलावा बिहार के लिए राज्य हित सोचने वाले जो एमएलए हैं वो होने चाहिए नहीं, इस पर लोगों की जो राय निकल कर आ रही है कि समय की मांग है 23% कि राज्य हित सोचने वाले ऐसे एमएलए होना चाहिए। यहाँ पर गैर जरूरी मुद्दा जो है, कई ऐसे नेता होते हैं जो कि गैर जरूरी मुद्दा जो है उसको लेकर चुनावी मैदान में जाते हैं, 17% उस पर वोटिंग हो सकती है। इसके अलावा बहुत जरूरी जो यहाँ पर चाहते हैं कि राज्य का विकास होना चाहिए 58% लोग, के अलावा टिकट बंटवारे को लेकर भी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर भी काफी यहाँ पर असमंजस स्थिति होती है, और क्या उसके लिए जो आंकड़े निकले हैं पैसे वाले दबंग प्रत्याशी को 0.9% लोगों का मानना है कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए। जाति आधार रखने वालों को 1.5%, जबकि जनता का दर्द समझने वाले लोगों का मानना है कि ऐसे प्रत्याशी को यहां पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। 97.6% लोगों का मानना रहा है, यानी बिहार के लिए जो जनता का दर्द समझे, जो जनता की मांग है उसको लेकर यहाँ पर जनता के बीच जाए, ऐसे प्रत्याशियों की मांग यहाँ पर जो सर्वे में जानकारी निकली उनके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर परसेंटेज निकलकर सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अगर वोटों की भागीदारी की बात की तो किस प्रकार का वोट शेयर किसके पक्ष में जा सकता है और कितना अहम हो सकता है, यहाँ पर युवाओं का किस तरह वोट यहाँ पर जाता है और कितना मांग यहाँ पर युवाओं की है। देखिए 18-25% हिस्सेदारी इस बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों में से 33% ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 18-25 वर्ष है। इसके अलावा 26-35 वर्ष के बीच इन युवाओं की जो आयु है उनमें 32% यहाँ पर जो आयु निकल कर आती है, और 36-45 वर्ष के बीच जिन यहाँ पर कह सकते कैंडिडेट हैं उनके लिए 20%, और 46-55 8 और 56-65+4% ही है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो युवा काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020, और युवाओं की जो मांग है वो है बेरोजगारी, इसके अलावा यहाँ पर रोजगार की उनके लिए मांग है, एक बड़ी मांग यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ और आपको यहाँ पर बिहार के लिए यहाँ पर सवाल दिखाते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे पांच बड़े ओपिनियन पोल के आधार पर बिहार में किसकी बनने वाली है सरकार, यहाँ पर चुनाव में पहली पसंद कौन है। देखिए पहली पसंद यहाँ पर अमीर प्रत्याशी 0.9%, ईमानदार प्रत्याशी को 96.9% लोगों का मानना है कि यहां पर ईमानदार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। जातिगत प्रत्याशी 2.2% ही है। अब देखिए सीएम पद के दावेदार का कितना महत्व है, यहां पर जो परसेंटेज निकला है सीएम पद को लेकर बिल्कुल नहीं ऐसे 10% है, कह नहीं सकते 16%, और 74% बहुत अधिक यहां पर सीएम पद का जो दावेदार है वो कौन है, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार, ये दोनों ही गठबंधन में फाइनल हो चुका है। और किसानों ने कहा है कि चेहरा काफी महत्वपूर्ण है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पर किस प्रत्याशी को पसंद करेंगे सबसे ज्यादा, जाति का हित सोचने वाले को 7% और क्षेत्र का हित सोचने वाले को 36%, जबकि 62% बिहार का हित सोचने वाले को यहाँ पर 62% लोगों का मानना है कि ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पर जीत मिल सकती है जो 62% है जो बिहार का हित सोचता है, यानी पूरे बिहार यानी राज्य का हित सोचता है ऐसे लोगों का मानना है। क्षेत्र का विकास कैसे संभव है,
95.2% सही प्रत्याशी के चयन से जो है क्षेत्र का विकास यहां पर संभव है। 1.3 जातीय गौर स्थापित करने से और 3.6 सपने देखने वाले नेतृत्व के चयन से यहां पर जो है बिहार के लिए ये कुछ बड़े जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और आंकड़े दिखाए कि किस प्रकार का जो जातिगत समीकरण है वो किसके पक्ष में है, देखिए ऊंची जाति हिंदू जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को 44%, कांग्रेस को 5, जेडीयू को 26%, आरजेडी को 16, यहाँ पर RLSP को 2%, LGP को 3, अन्य को 3% और CPI को 1% यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो BJP को 30%, कांग्रेस को 3%, JDU के लिए 12%, RJD को 24, RLSP के लिए 8%, LGP को 6%, अन्य को 4 और CPI को 1% सपोर्ट करते हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को केवल 15% सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को 12, जेडीयू के लिए 7%, 19% आरजेडी के लिए, आरएलएसपी को 10%, एलजेपी के लिए 19%, अन्य के लिए 3 और सीपीआई को 1% सपोर्ट करते हैं। अब मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जाते हैं, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो अजहरुद्दीन ओवैसी भी यहां चुनावी मैदान में है और कितना नुकसान किसको हो सकता है। इससे पहले देखें मुस्लिम आबादी का जो वोट शेयर है वो बीजेपी को केवल 8% जाता है, कांग्रेस को 15%, यानी कांग्रेस को यहां पर घाटा हो सकता है, जेडीयू के लिए 11%, 53% आरजेडी को सपोर्ट करते हैं मुस्लिम वर्ग के जो मतदाता हैं, और अजहरुद्दीन ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होने की संभावना है। आरएलएसपी पार्टी को 1%, LGP के लिए 2% और अन्य को 2 और CPI को 1% यहां पर जो जातिगत यहां पर कह सकते समीकरण है वो कितना सपोर्ट करते हैं। इन सारे आंकड़ों के बाद अब यहां पर बात करते हैं कि ओपिनियन पोल किस प्रकार के सामने आ रहे हैं। देखिए बिहार इलेक्शन 2020 के चुनावी भूगोल के साथ ही कई बड़ी कंपनियों ने सर्वे किए हैं और सर्वे के आधार पर जो आंकड़े निकले हैं, पहले सर्वे में आपको जानकारी यहां पर BDPA के अनुसार जो जानकारी है उसके अनुसार NDA को 109 से 138 सीटें मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है और आरजेडी गठबंधन को 73 से 97 सीटें दिखाई गई हैं, यानी बिहार में नीतीश कुमार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार इलेक्शन 2020 के ओपिनियन पोल के लिए अगर बात करें तो यहां पर VMR TV भारतवर्ष के लिए जो यहां पर आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों के आधार पर क्या कुछ आंकड़े हैं, 2019 में अपर कास्ट का किसको सपोर्ट था, 2019 में एनडीए को 72% सपोर्ट था, आरजेडी को 10% और यहां पर 2020 में एनडीए को 73% और आरजेडी को 24% सपोर्ट, यानी एनडीए गठबंधन को अपर कास्ट 1% ज्यादा सपोर्ट करती नजर आ रही इस वक्त जो आंकड़े हैं। ओबीसी आल जो वर्ग हैं उन सभी के लिए 2019 में एनडीए को 56%, आरजेडी को 28% वोट सपोर्ट किया था, 2020 में एनडीए को 48% तो आरजेडी को 36% वोट शेयर ओबीसी का गया था, यानी बीजेपी को ओबीसी जो यहां पर वोटर्स हैं उनसे नुकसान हो रहा है, जबकि यहां पर बात करें तो आरजेडी को यहां पर फायदा हो रहा है ओबीसी वर्ग से। एससी वर्ग के लिए क्या कुछ आंकड़े, 63% तो आरजेडी को 18% सपोर्ट किया था, लेकिन 2020 में यानी साफ तौर पर 41% यहां पर वोट शेयर मिलने की संभावना है और आरजेडी को 42% यानी यहां पर एससी वर्ग से बीजेपी को नुकसान यानी एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। मुस्लिम वर्ग की आंकड़े देखें, 2019 में एनडीए को 13% तो आरजेडी को जो है 65% सपोर्ट मिला था, 2020 में एनडीए को 20% और आरजेडी को 70% यहां पर मुस्लिम जो वोटर्स है उनको मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। अब देखिए अगला जो विश्लेषण कंपनी ने किया है वो यहां पर 2020 ओपिनियन पोल प्रश्नम के द्वारा जो सर्वे किया गया उसके आंकड़े क्या कहते हैं, इसमें साफ तौर पर सवाल पूछा गया है कि बिहार के लिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इसमें देखिए 39% यहां पर तेजस्वी यादव को लोगों ने माना है कि बिहार में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो सकते हैं, 36% नीतीश कुमार के लिए और 25% अदर यहां पर कैंडिडेट के लिए माना है। अगर बिहार के लिए अगले मुख्यमंत्री की रेस में अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार की जगह अगर यहां पर कह सकते हैं सुशील मोदी को अगर चुनावी मैदान में बीजेपी उतारती तो फिर किस प्रकार का वोट शेयर बन सकता था, अलग अलग यहां पर तेजस्वी यादव या फिर अलग अलग यहां पर गठबंधन के स्वरूप होती तो फिर क्या होता। देखिए यहां पर जो आंकड़े हैं 35% फिर भी यहां पर तेजस्वी यादव को मानते हैं लोग कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 31% नीतीश कुमार के लिए और 12% सुशील मोदी बीजेपी की तरफ से और 22% अलग यहां पर कैंडिडेट जो बिहार के लिए मुख्यमंत्री हो सकता है जिनमें
अन्य जो पार्टी है जिनमें मुकेश साहनी की पार्टी हो या फिर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा या फिर जो अन्य पार्टी है उनके द्वारा जो आंकड़े थे। अब देखिए बिहार ओपिनियन पोल में एबीपी सी वोटर ने भी अपना ओपिनियन पोल दिया था और इन ओपिनियन पोल के आधार पर क्या कुछ आंकड़े हैं। एनडीए गठबंधन को 151 सीटें यहां पर दिखाई गई थी और आरजेडी को जो है 74 सीटें, अदर के लिए 18 सीटें यहां पर जो यहां पर बिहार के लिए एबीपी सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसमें बिहार में जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार यहां पर आंकड़े दिखाए गए हैं। 151 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है और आरजेडी को 74 सीटें मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई गई है। इसके अलावा कुछ अन्य ओपिनियन पोल की अगर आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन को 123 सीटें, एनडीए गठबंधन को 109 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मिल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों बिहार की सभी 243 सीटों के लिए कई बड़ी कंपनियों ने जो सर्वे किया है उन सभी कंपनियों के आधार पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर भी आपको क्या लगता है बिहार की सभी 243 सीटों में से महागठबंधन को कितनी सीटें, क्या महागठबंधन बिहार में सरकार बना पाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन की यहाँ पर बरकरार रहेगी सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।